राम राम जी सब राम 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 अभी आपके बीच में हमारे माननीय सांसद जी माननीय सीमा त्रिखा जी पधार चुके हैं और इनका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये भाखरी गांव है जहां भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर जी पहुंचे हैं भाखरी गांव में, देख सकते हैं। चौधरी किशन पाल गुर्जर, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आज की सभा के मुख्य अतिथि हमारे माननीय किशन पाल गुर्जर जी, बहन सीमा त्रिखा जी, एक मिनट रुक जाओ, बहन सीमा त्रिखा जी, हमारे सबसे गांव के बुजुर्ग बाबा लालचंद साबा बांध के मंत्री जी का स्वागत करेंगे। बाबा ढंग से आशीर्वाद दीजिए। राजू ले किशन पाल गुर्जर जिंदाबाद, आदरणीय किशन पाल गुर्जर जिंदाबाद। ऊपर तो घर ऊपर कर बहन सीमा त्रिखा जी जिंदाबाद, बहन सीमा त्रिखा जी जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे फिरे बाबा फिरे बहन जी का जो ना मेहनत वाला पहना कर भाखरी गांव है जहां भाजपा प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर पहुंचे हैं। सतेंद्र फागना ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मंत्री जी का हमारे गांव के अंदर पधारने पर कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। वह सभी जितने भी ग्रामवासी हैं पहले से ही हमारा पहले भी चुनाव के अंदर पूरे गांव ने पूरी बस्ती ने इन्हें 80-85 बल्कि 90% वोट किया था और मैं कामना करता हूं, आश्वासन दिलाता हूं कि पूरा गांव, पूरा भाखरी गांव कम से कम 95% वोटिंग करा के और मंत्री जी को जो है संसद में भेजेंगे। जितना विकास बीजेपी सरकार ने किया है पूरे देश में ही, मैं अभी क्षेत्र की या अपने जिले की बात नहीं करूंगा,
पूरे देश में जितना विकास इन्होंने बीजेपी सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इतना पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं किसी ने भी नहीं किया आज तक। लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, या तो हर गांव का या हर आदमी का कोई काम नहीं हो पाता। बाकी हमारा जो गांव है इसकी छोटी मोटी कमी है, और मैं मंत्री जी से ना भी कहलवाना चाहता हूं क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है। तो मैं इनकी तरफ से मैं ही कह देता हूं कि अगले जीतने के बाद 100 दिन के अंदर अंदर जो भी गांव में हमारे में कमी है, जैसे राख का एक मुद्दा है, यहाँ पे फ्लाई ऐश उड़ती है जो सैनिक कॉलोनी भाकरी गांव और सारे उनमें सैनिक में आईपी में इतनी परेशानी कर रखी है, तो वो भी जल्दी जो 100 दिन के अंदर अंदर सारी कमी पूरी करा देंगे। और जो हमारे यहाँ अडवांस बनी हुई है जिसमें जो नगर निगम ने जो हाड़ी रेडी बना रखी है, तो वहां पे पूरी दिल्ली के पूरे के पशु मवेशी पशु और गुड़गांव से वहां से पूरे फैजाबाद से इंटर फैजाबाद से यहाँ आके पशु डलते हैं। और आज तो हवा इधर की नहीं है, नहीं तो यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि मंत्री जी सबसे पहले जीते ही ये काम, क्योंकि ये तो एक हमारे हमारे स्वास्थ्य का मामला है, इसमें हम किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहे।